हुआ ये कि वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर रावण की एंट्री होने से चुनाव बहुत रोचक हो गया। नगीना प्रतिष्ठा का विषय चंद्रशेखर के लिए भी इसलिए बनी है, कभी पिछले दिनों वो जयंत चौधरी से एक प्रकार से वैचारिक विद्रोह करके इस तरफ आए और वो बहुत लंबे समय से नगीना में तैयारी कर रहे थे। जब उनके लिए इंडिया गठबंधन ने अपने दरवाजे नहीं खोले तो उन्होंने अपने आप लड़ने का प्रयास किया। पूरा इलेक्शन का पेस चेंज होना शुरू हो गया एक हफ्ते पहले। एक हफ्ते पहले तक चंद्रशेखर वहाँ बहुत सीन में नहीं थे। समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनके और बीजेपी के कैंडिडेट के बीच में फाइट थी। कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर ना सिर्फ नगीना, मुस्लिम फैक्टर तय करेगा कि वो किसको जिताता है। लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और सबकी नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीटों में शुमार नगीना लोकसभा सीट का नतीजा क्या होगा, वहां का नगीना कौन पहनेगा। और इसी पर मैं बात करूंगा इन तमाम वरिष्ठ पत्रकारों से। और उन वरिष्ठ पत्रकारों के लिए कहा जाता है कि किसकी जीत और किसकी हार होगी चुनाव के बाद इन लोगों ने पहले ही तय कर लिया था और वाकई जो नतीजे हैं वो चौंकाने वाले होंगे। कैसे होंगे, एक एक करके इन लोगों से बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर नगीना की जनता के मन में क्या रहा और एग्जिट पोल क्या कहता है। सर, आपसे जानना चाहूंगा, सबकी नजरें टिकी हैं नगीना में, क्या होने जा रहा है? बिल्कुल, सबकी निगाहें टिकी हैं नगीना पे, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने वहाँ नई चर्चाओं को और चौंकाने वाली खबर का इंतजार सब कर रहे हैं। हुआ ये कि वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर रावण की एंट्री होने से चुनाव बहुत रोचक हो गया। जैसा आपको मालूम है वहाँ पर दलित और मुस्लिम बाहुल्य सीट है, 13.5 लाख वोट है। शुरू में जब चुनाव शुरू हुआ तो लगा कि अरे चंद्रशेखर क्या कर पाएंगे, ये वोट कटर साबित होंगे, थोड़े बहुत युवा मिल जाएंगे। उनकी सबने राजनीतिक ताकत देखी थी तो थोड़ी सी ताकत दिखाई थी खतौली उपचुनाव में, जहाँ पर ये माना गया क्योंकि बसपा उपचुनाव नहीं लड़ती है तो उस समय रालोद ने वो विधानसभा का उपचुनाव जीत लिया था और ये माना गया कि चंद्रशेखर रावण ने बहुत अच्छा काम किया। उनकी कर्मभूमि या तो सहारनपुर थी या फिर नगीना थी, तो नगीना के लिए बहुत दिनों से प्रतीक्षारत थे कि यहाँ से शायद उन्हें सपा से टिकट मिल जाए गठबंधन से, लेकिन ऐसा हो ना सका। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने ओम कुमार पर दाव लगाया, इन्होंने मनोज कुमार पर दाव लगाया। चुनाव शुरू हुआ धीरे धीरे तो सब कहने लगे अरे क्या होगा, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में टक्कर है। लेकिन धीरे धीरे जब वहाँ से सूचनाएं मिलने लगी तो वो सूचनाएं ऐसी थी कि चंद्रशेखर आज़ाद न जाने क्या कर दें। और ये जब परवान चढ़ने लगी, तिकोनिया चुनाव होने लगा, लेकिन मतदान के दिन जो खबरें आईं मेरे ख्याल से वो थोड़ी सी, जितने भी चुनाव का अनुमान लगाते हैं, विश्लेषक हैं या क्षेत्र को जानते हैं, उन्हें हैरानी हुई इस बात की कि उन्हें ना केवल युवा दलित बल्कि मुस्लिमों का भी समर्थन मिलता हुआ दिखाई दिया। तो लोगों में जब तिकोनिया लड़ाई हो गई तो जो वोटों का हिस्सा है, तीन बंटवारे हो जाएंगे तो फिर मामला बड़ा दिलचस्प हो गया। और लोगों को ये, बहुत से लोगों से ये कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि तिकोनिया लड़ाई है और वह कुछ भी हो सकता है। हालांकि एज अभी भी लोग भारतीय जनता पार्टी को देते हैं, पर शायद चंद्रशेखर वहाँ किसी करिश्मे के लिए गए हैं और जैसी सूचनाएँ मतदान के दिन मिली हैं अगर वो सही हैं, अगर उनको दलितों का और मुस्लिमों का इकट्ठे प्रेम मिला है, उन्हें मोहब्बत मिली है, तो मुझे लगता है कि चंद्रशेखर वहाँ कोई करिश्मा करने में कामयाब हो सकते हैं। अच्छा, करिश्मा करने में कामयाब होता। संतोष शुक्ला जी, उनसे वादा। शुक्ला जी, आपके नज़रिए में क्या है? पुष्पेंद्र सर ने अपनी चीज़ें बता दी हैं कि भाई कोई चंद्रशेखर करिश्मा कर सकते हैं, आपको क्या लग रहा है? आपने भी बड़े करीब से देखा नगीना को। बिल्कुल, पुष्पेंद्र सर की बात से मैं बहुत सहमत हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद वो दलित राजनीति में बहुत ऊर्जावान चेहरा है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में है वो, उनको पूर्वांचल तक लोग जानते हैं, ये उनकी बहुत खास उपलब्धि है। जीत हार का समीकरण इस प्रकार है कि नगीना प्रतिष्ठा का विषय चंद्रशेखर के लिए भी इसलिए बनी है, कभी पिछले दिनों वो जयंत चौधरी से एक प्रकार से वैचारिक विद्रोह करके इस तरफ आए और वो बहुत लंबे समय से नगीना में तैयारी कर रहे थे। जब उनके लिए इंडी गठबंधन ने अपने दरवाजे नहीं खोले तो उन्होंने अपने आप लड़ने का प्रयास किया और बहुत मजबूत लड़े हैं। लेकिन ये जो सर कह रहे थे अभी, इस बात से मैं देखूंगा, नटौर के विधायक जो ओम कुमार हैं, जिनको भाजपा ने उतारा है, बहुत ज़्यादा गुंजाइश है उनके लिए इन दोनों की कट्टर लड़ाई, जो मनोज कुमार पूर्व जज हैं, जो सपा सूत्रे हैं, इन सब के बीच चंद्रशेखर रावण की मजबूत स्थिति की वजह से भाजपा के लिए दरवाजे खुलते नजर आएंगे। अच्छा, भाजपा की स्थिति मजबूत नजर आएगी। मतलब जिस तरीके से 3 बार के विधायक हैं नटौर से ओम कुमार, आपको लग रहा है उनका पलड़ा भारी है? बिल्कुल, समीकरण का विन्यास इस कदर बैठ रहा है जिसमें चंद्रशेखर रावण की बहुत मजबूत लड़ाई से भाजपा वास्तव में एज पर है, लाभ की कोण में खड़ी है, इस प्रकार कहा जा सकता है। ओम कुमार का अपना अनुभव भी बहुत ज़्यादा है, पहले बसपा में थे, बाद में 2017 में मेरे ख्याल से भाजपा में आए, भाजपा में आने के बाद उन्होंने अपना जनाधार बनाया। लेकिन चंद्रशेखर रावण का जो एक जनाधार है स्वतंत्र रूप से देखेंगे तो वो राजनीति में एक मानक स्थापित करता हुआ नजर आता है।
जीत अच्छा हार जीत हार का विषय अलग है। रवि शर्मा जी, रवि सर आपसे जानना चाहूंगा, इन दोनों लोगों की तो बात हो गई है वरिष्ठ पत्रकारों की, आपको क्या लग रहा है नगीना के समीकरण क्या कह रहे हैं? सबकी नजरें चंद्रशेखर गए हैं, कुछ कमाल कर देंगे, कोई कह रहा है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल जो है मनोज कुमार उन्होंने बहुत मजबूती से चलाई है, कोई कह रहा है कि बीजेपी वहां पर विन करेगी। असल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में विशेष रूप से कहा जा सकता है कि यहाँ पर जीत और हार का आंकड़ा जो है वो मुस्लिम तय करते हैं, तो मुस्लिमों का कितना ध्रुवीकरण हो रहा है और किस साइड में हो रहा है वो निश्चित रूप से हो सकता है कि चौंकाने वाला हो। जहाँ तक चंद्रशेखर आज़ाद और रावण की बात आपने कही है, जो उभर रहे हैं, उभरते हुए नेता हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी वो उस स्थिति में नहीं है कि लोगों तक उनकी बात बहुत ढंग से पहुंच पा रही हो। हाँ, दबंग हैं, दबंगई से बात करते हैं, जो भी बात करते हैं, लेकिन जो एक संगठन है अभी संगठन स्तर पर, वो अगर वो जितने भी वोट पाते हैं या कम वोट पाते हैं तो वो डिपेंड करेगा कि उनका संगठन कैसा है, और मुझे नहीं लगता कि संगठन के मामले में वो जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके सामने वो कहीं टिक पाएंगे। तो फिलहाल क्या लगते हैं वहाँ के नतीजे? नतीजे अभी बीजेपी और इन दोनों में ही रहेगा झगड़ा, तो लेकिन चांसेस इस बात करेंगे कि बीजेपी जीत जाए। सपा को टक्कर में नहीं मान रहे? सपा है, लेकिन अभी वहाँ जो जो वहाँ का जो स्थिति है उसको देखते हुए लगता है कि वो दूसरे या तीसरे स्थान पर ही आएगी। अच्छा, दूसरे तीसरे स्थान। रविंद्र राणा जी, रविंद्र जी आपको भी देखा था मैंने, नगीना गए थे, बहुत आपने वहाँ पर कवरेज भी की है, क्या वहाँ की मतलब क्या लगा, जनता के मन में क्या चीज़ें आपको लगी कि चीज़ें बदलेंगी या फिर वही वाली रहेंगी? देखिए, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर्स का जो रुझान है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की तरफ रहा है, कैंडिडेट्स दोनों में से जहाँ जिसके रहे हों। अब अप्रत्याशित ढंग से नगीना में ये हुआ कि एक हफ्ते पहले से ये ट्रेंड चेंज हुआ, वहाँ पे पूरा इलेक्शन का पेस चेंज होना शुरू हो गया। एक हफ्ते पहले तक चंद्रशेखर वहाँ बहुत सीन में नहीं थे, समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनके और बीजेपी के कैंडिडेट के बीच में फाइट थी, सबका यही आकलन था और लोगों का भी यही कहना था। मुस्लिम्स ने बड़ी तेज़ी से ये कहना शुरू किया कि हम चंद्रशेखर को आजमाना चाहते हैं इस बार, और उनको लगा कि युवा दलितों का जो रुझान है वो चंद्रशेखर की तरफ है, क्योंकि मुस्लिम्स ये चाहते थे, ये देख रहे थे वो कि किसके पास ऐसा बेस वोट ज़्यादा है जो बीजेपी को हरा सके। तो उनको लगा, नो डाउट लोकप्रियता में चंद्रशेखर वहाँ जितने भी कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं उन सबसे आगे हैं, युवा चेहरा हैं, तमाम आंदोलनों में शामिल रहे हैं, दलित मूवमेंट का बड़ा चेहरा है, और न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बल्कि नेशनल लेवल पे उनकी एक पहचान है जो बाकी किसी कैंडिडेट की वहाँ के नहीं है। तो मुस्लिम्स को ये लगा कि ये चंद्रशेखर हरा सकते हैं बीजेपी को, और एक हफ्ते पहले वोट शिफ्टिंग बड़ी तेज़ी से चंद्रशेखर की तरफ हुआ। लेकिन इसके अपने खतरे होते हैं, मैंने कई बार ये देखा कि इलेक्शंस में जब लास्ट मूवमेंट में वोट शिफ्टिंग होती है बड़े पैमाने पे, तो उसमें डाउट्स होते हैं कुछ, कितना गया, 100% चला गया, 50% चला गया, 60% चला गया, बहुत सारे वोटर्स कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि चंद्रशेखर हरा भी रहे हैं कि नहीं हरा रहे हैं, चूँकि पूरा ओवरऑल पूरा देख रहे हैं पूरे वेस्टर्न यूपी में सीन वही है कि मुस्लिम्स गठबंधन के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ वो ये भरोसा जमाना और वो पूरी तरह से शिफ्ट हो जाना ये बड़ा रिस्क वाला काम था, जोखिम वाला काम था। मैंने इसको बारीक से देखा, इस पर काफ़ी पैनी निगाह मैंने रखी कि कितना होता है, मुझे लगता है बड़ी संख्या में हुआ है, और दलितों का वोट तो अच्छा चंद्रशेखर को मिला ही है। मैं ये मानता हूँ कि वहाँ जंग 50-50 है, क्योंकि एकदम कन्फर्म तौर पर ये कहना, जैसा अभी पुष्पेंद्र जी बता रहे थे कि 6 लाख के करीब मुस्लिम वोट है, तो 6 लाख वोटर्स आखिर के 6 दिन में 90% शिफ्ट हो जाएंगे चंद्रशेखर पे, ये एक बड़ा सवाल है। और निश्चित तौर पे अगर ऐसा हो जाता है कि उसमें से मोर देन 90% शिफ्ट हो जाता है, तो चंद्रशेखर की जीत बड़े मार्जिन वाली जीत होगी। मैं मानता हूँ 50-50% चांसेज हैं यहाँ बीजेपी और चंद्रशेखर के लिए। समाजवादी पार्टी सीन से बाहर हुई है, अगर समाजवादी पार्टी मुस्लिम्स का वोट बहुत कम ले पाती है तो चंद्रशेखर जीत जाएंगे। हरिशंकर जोशी जी हैं सर, देख रहे हैं सबके अपने अपने अलग अलग दावे हैं, सबके अलग एक आंकड़ा अपना समझा रहे हैं, आपके आंकड़ों के हिसाब से क्या लग रहा है नगीना का? देखिए, जो वहाँ का आकलन अगर हम करें, क्योंकि हम ना तो ज्योतिषी हैं ना सेफोलॉजिस्ट हैं जो ये बता सकें कौन जीतेगा कौन हारेगा, ना हमने कोई सैंपल सर्वे किया है, लेकिन वहाँ जो समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो पहले दिन से ही रेस से बाहर हो गया था, और आते आते उसके नॉमिनेशन फाइल करने के कुछ दिन बाद वो कहीं पर
टिक नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावण ने वहाँ पर पिछले 2 साल से लगातार मेहनत की है उस सीट पर, और उस सीट पर जनसंपर्क में रहे हैं, लगातार काम कर रहे थे उस सीट पर। उन्हें ये उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की तरफ से उनको टिकट दे देगी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर इंडिया गठबंधन से उनका टिकट नहीं हुआ। संभवतः अखिलेश ने सोचा हो कि एक व्यक्ति अगर अपने सिंबल पर लड़ेगा और वो कल कोई ऐसी बात होगी तो वो उसे जाने में कोई दल बदल कानून का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, तो उनके सामने ये प्रस्ताव रखा था कि आप एक काम करिए, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ लीजिए, तो वो इसके लिए तैयार नहीं थे। खैर वो बात आई गई हुई, और अभी स्थिति ये हुई कि जो मुस्लिम वोटों का रुझान है वो इस वक्त गठबंधन की तरफ है, और गठबंधन की तरफ भी क्या आप किसी मुस्लिम से पूछिए कि किसको वोट देना चाहते हैं तो वो सीधे कहता राहुल गांधी को। तो सर जैसे कह रहे हैं कि भी नगीना में ये हो जाएगा वो जाएगा, आपके हिसाब से क्या है? देखिए नगीना सीट अपने आप में चर्चित सीट हो गई इस लोकसभा चुनाव में, इससे पहले जब 2019 का चुनाव हुआ था तो जहाँ तक मेरा मानना है वो चर्चित सीट नहीं थी, क्योंकि गिरीश चंद वहाँ से बहुजन समाज पार्टी के जीते थे तो उनकी बहुत बड़ी पहचान नहीं थी कि वो जो है वहाँ से सांसद है। लेकिन अब जब चंद्रशेखर वहाँ गए, है ना, इससे पहले जब गठबंधन ने अपने प्रत्याशी घोषित किया एक पूर्व अफसर को, भाजपा ने अपने विधायक को किया, तो उसमें स्थिति ऐसी बन गई कि तब तक भी चर्चा में नहीं आई। जब चंद्रशेखर ने वहाँ से नामांकन कर दिया और पहले से उसने ऐलान कर दिया चुनाव लड़ने का, हालांकि ऐलान तो उसका 2 साल पुराना था लेकिन नामांकन के बाद अधिकृत रूप से हो गया, तब वो चर्चा में आई। और चर्चा की एक बड़ी वजह क्या रही कि चंद्रशेखर को जो आज तमाम हमारे साथी लोग कह रहे हैं कि मुस्लिमों का समर्थन मिला, दलितों का एक बड़े हिस्से का समर्थन मिला, एक आम आदमी का समर्थन मिला, उसके पीछे एक वजह थी और चर्चा में रहने की। देखिए जितने भी आज तक मुस्लिम के मुद्दों को लेके देश भर में आंदोलन हुए हैं, चंद्रशेखर उनमें सबसे अग्रणी भूमिका निभा रहा है, जेल भी गया है दिल्ली के मामलों में और जगह के लिए भी, तो इसलिए क्या गए मुस्लिम के लिए। हालांकि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे पहली पसंद गठबंधन थी, लेकिन नगीना सीट इसकी अपवाद हो गई, क्योंकि उन्होंने दिखाई दिया कि यहाँ जो गठबंधन का प्रत्याशी है वो कमज़ोर प्रत्याशी है और चंद्रशेखर हमारी आवाज़ उठाता है, चंद्रशेखर हमारे लिए लड़ता है, हमारे लिए जेल जाता है। तो जहाँ तक मुझे वहाँ लोगों से बात हुई और जो लोगों का हमारा अपना आंकलन है, उसमें मुस्लिमों का एक बड़ा हिस्सा, मैं बड़ा हिस्सा कहूँगा, जब पोल का 60-70% एक तरफ जाने की उम्मीद हो तो वो हमें जो मुझे लगता है वो गया चंद्रशेखर के साथ। और उसके साथ क्योंकि दलित वोट जो है, क्योंकि दलित आइकॉन उसे यूथ का माना जाता है और उसको काफ़ी लोगों के साथ लड़ता झगड़ता रहा है, उनके मुद्दे उठाता रहा है और तमाम ऐसी जगह उठाता रहा है जहां दलित उत्पीड़न जिन बिरादरियों के बीच में होता रहा है पहले से, उनके बीच में मुद्दे उठा, जेल गया, रासुका लगी, तो वो दलित भी उसको अपना माना, तो दलितों का एक बड़ा हिस्सा वहाँ जो है वो चंद्रशेखर जाता दिखाई दिया। इसके अगर आंकड़े देखें तो लगभग जो है 15.5 से 16 लाख मतदाता है और उनमें से 46% मुस्लिम और 21% जो है वोटरों की बात कर रहा हूँ वो दलित हैं। कुल मिला के तो कहा जाता है कि 70% तक दलित मुस्लिम मिला के होता है, बाकी 30% में सैनी है, कश्यप है, दूसरी ठाकुर हैं, वो लोग समाज के लोग हैं। तो इतना बड़ा उसमें जब अगर चंद्रशेखर की जाती है सजाती है और उसके अलावा मुस्लिमों का बड़ा हिस्सा अगर उनके साथ जा रहा जिस तरह गहरा है और लोगों ने बताया है तो उसका पड़ला वहाँ भारी है। और स्थिति जो है इसके साथ ही मैं कहूँगा कि लड़ाई जो है वो बीजेपी और वहाँ चंद्रशेखर के बीच नज़र आती है। हालांकि समाजवादी पार्टी भी भाई गठबंधन के प्रत्याशी हैं तो कहीं ना कहीं कमाल कर सकते हैं कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे लगता है कि लड़ाई जो है इन दो में दिखेगी। और उसकी जो मैं वजह मानता हूँ कि क्यों दिखेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है, आप अगर इतिहास उठाएं किसी भी चुनाव का तो जितनी भी रिजर्व सीट होती हैं वहाँ सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिलता है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, क्योंकि उनका फ्लोटर वोट, उनका अपना वोट जो होता है तो उन्हें मिलता ही है और दलितों में बंटवारा होता है, तो वो दलितों का जो पक्ष उनके साथ जाता है उससे बीजेपी को फायदा मिलता है। जैसे अभी आप किसी भी चरण की बात उठा लें, सारी सीटें जो हैं दलितों के पास उनके पास हैं, बीजेपी के पास है। अभी लास्ट जो चौथा चरण गया है उसमें 13 सीटें थी, 13 सीटों में 5 सीटें रिजर्व थी, 5 के पीछे भाजपा के पास थी और ऐसी दूसरी बात थी। तो इसलिए वहाँ का जो मुझे लगता है नगीना का नगीना कोई भी बने लेकिन वहाँ चंद्रशेखर और भाजपा में ज़्यादा स्थिति संभावना नज़र आ रही है। और त्रिकोणीय स्थिति में जो है सपा कितना कमाल कर पाएगी वो मुझे बहुत कम नज़र आता है, कम नज़र आएगा, सपा कम पाएंगे। हाँ पुष्पेंद्र जी आपसे एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, बीजेपी और चंद्रशेखर की टक्कर बता रहे हैं तमाम आप वरिष्ठ लोगों से बात हुई है, ऐसी क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी और बसपा की अगर बात करें वो फाइट में नहीं मान के चल रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छी बात मेरे साथियों ने कही और सबसे जो चौंकाने वाली बात है मेरे ख्याल से सारे साथी सहमत होंगे और एक बात तो मैं डिसीजन दे सकता हूँ उस पर कि कुछ भी हो जो हालात हुए हैं उससे ऐसे लगता है कि बसपा वहाँ चौथे नंबर पे ना चली जाए। जबकि 2019 में तो गिरीश चंद थे वहाँ से, गिरीश चंद थे लेकिन तब आपको याद रखना होगा कि उसका सपा और रालोद के साथ गठबंधन था। और दूसरे आकाश आनंद को वहीं से लॉन्च करना, वहीं जाना, यानी कि
बसपा वाले ये समझ चुके थे वहाँ खतरे की घंटी है। और आप देखिए आकाश आनंद के पूरे भाषण का जो लबोलुबाप था उसमें निशाने पर चंद्रशेखर थे और उसका ये कहना था कि दलित युवाओं को ये भ्रमित करता है, वो जेल चले जाएंगे, ये बाहर रह जाएगा, उनको उकसाता है। तो यानी बसपा को ये खतरा नज़र आ गया था। जहाँ तक बात है भाजपा और सपा की और चंद्रशेखर की, तो मैं अभी भी इसे तिकोनिया ही फाइट मानूंगा। हो सकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाए। और मैंने पहले भी यूज़ वर्ड किया कि जो एज है वो भारतीय जनता पार्टी को है। करिश्मा तब होता है अगर चंद्रशेखर जीतता है, करिश्मा तब होगा। शुक्ला जी आप बता दीजिए, सर ने तो बिल्कुल कह दिया, आपकी नज़र में दो शब्दों में कौन जीत रहा है, नगीना कौन जीत रहा है? नगीना बीजेपी जीत जाएगी, बहुत आसानी जीत जाएगी। उसमें बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं, संघर्ष विचारों में है, संघर्ष बयानबाजियों में है, संघर्ष कहीं ज़मीन पर इतना नहीं है। क्योंकि ओबीसी वोट बैंक जो भाजपा की जीत की कुंजी बनता रहा है उसको तो हम लोग विमर्श में ला ही नहीं रहे हैं। वो 17 जातियाँ उपजातियाँ जो गैर यादव जाति जो आप बताते हैं वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़ी संख्या में है, वो जीत का कारण अकेले बन जाते हैं। बाकी जैसा पुष्पन जी ने कहा कि दलित वोटों में बंटवारा होता ही है, वो होगा ही, क्योंकि दलित तीनों ही दलित हैं, वो दलित सीट ही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश दो दलित सीटें हैं, बुलंदशहर एक नगीना। नगीना का महत्व इसलिए भी ज़्यादा है कि मायावती ने अपने भतीजे को जब वहाँ से एक लॉन्चिंग के लिए भेजा और उनका बयान इसलिए भी उल्टा पड़ा कि वो ये भूल गए कि चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ भावनात्मक जमीन बना चुके हैं लंबे समय से, और उनका बयान इसलिए भी बड़ा तल्ख माना गया राजनीतिक हिसाब से। और वो बसपा ने एक बड़ी चूक ये की कि जो जमे जमाए सांसद थे गिरीश चंद, उनको उठा के बुलंदशहर भेज दिया। इसका कारण कोई नहीं बता कर पाया कि ये इसके पीछे की वजह क्या रही होगी। और भाजपा की जीत की बड़ी सीधी वजह है, भाजपा का सांगठनिक ढांचा अद्भुत है, बहुत मजबूत है। इसके अलावा इनके पास स्टार नेताओं का आवागमन खूब रहा है, इसलिए जो इनके खिलाफ आक्रोश आपको दिखता है वो विचारों में बयानबाजियों में है, वो कहीं जमीन पर बहुत करिश्मा करता मुझे नजर नहीं आ रहा है, नहीं नजर आ रहा। सर ये तो सीधा कह रहे हैं बीजेपी जीत रही है। मैंने पहले ही कहा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी एज पर है, जब तिकोनिया लड़ाई होगी तो वहाँ लाभ किसे मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। हालांकि एक चीज पे मैं डिफर करता हूँ, क्योंकि ये वहाँ पे ओबीसी अगर सारे मिल जाएं और एक तरफ दलित और मुस्लिम हो जाएं तो फिर ओबीसी वहाँ पे भारी नहीं पड़ते। वहाँ पे दलित और मुस्लिम समीकरण जो है ये ज़्यादा भारी पड़ता है, लेकिन इसकी संभावना फिर भी बहुत कम है कि सारे के सारे एकजुट होके और चंद्रशेखर के लिए चले गए हों, यानी कि सपा जीरो हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो फिर मैंने फिर वही शब्द दोहराऊंगा कि फिर तो ये करिश्मे जैसी बात होगी। अन्यथा इस तिकोनी में जब तीन जगह लड़ाई होगी तो लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, करिश्मा होगा तो चंद्रशेखर जीतेंगे, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। रवि शर्मा जी तो दोनों बीजेपी का पलड़ा भारी बता रहे हैं, आपको किसका पलड़ा मजबूत लग रहा है? बीजेपी का ही है, चूँकि उनके पास पूरा अपना संगठन है। और अगर हम बसपा की बात करें तो बसपा ने पूरे 5 साल तक केवल ट्वीट पर ही गेम खेलते रहे, उसके बाद अपने भतीजे को उन्होंने लॉन्च किया। और उनको वापस क्यों लिया, इस पूरी राजनीति में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि भतीजे को वापस क्यों लेना पड़ा। अभी तक लोग ये देख रहे हैं कि उन्होंने चंद्रशेखर को निशाने पर लिया इस वजह से है, लेकिन उन्होंने बीजेपी को भी निशाने पर लिया, उस बीजेपी को जिसकी कहा जा सकता है कि कमांड जो है बसपा की बीजेपी के हाथ में है, तो इस कारण से उन्होंने उसको वापस लिया। तो आपके हिसाब से सर क्या लग रहा है नगीना में? बीजेपी है। रविंद्र राणा जी क्या है, सब बीजेपी का पलड़ा भारी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि आंकड़े ऐसे हैं कि बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं? एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि चंद्रशेखर के पास जो मुस्लिम्स हैं, जैसे मैंने जितने मुस्लिम्स से बात की वहाँ पे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसमें से एक बहुत छोटा सैंपल होता है हम पत्रकारों के पास, कोई ऐसी सर्वे एजेंसी, कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है कि जिससे हम 1 लाख लोगों के बीच सर्वे कर लें, 2 लाख लोगों के बीच कर लें, तो एक छोटा सैंपल हम सबके पास है मुझे लगता है। तो उस सैंपल में मैंने जितने लोगों से बात की मुस्लिम्स में, उसमें से मोर देन 70% का कहना था कि हम चंद्रशेखर के साथ जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा फिगर है। और इसके अलावा दलित चेहरा वो बड़ा है अपने आप में, और जैसा कि अभी बात हो रही थी कि साहब आकाश आनंद आए थे वहाँ पर, तो आकाश आनंद के भी उनके मामले लोकप्रियता के मामले में आकाश आनंद उनका कोई नुकसान नहीं कर पाए चंद्रशेखर का, तो दलितों का बड़ा सेगमेंट उनके पास है। दूसरा एंटी इनकम्बेंसी वोट जो हर सीट पे होता है और इस बार अच्छी संख्या में है, इस बार पिछले कुछ चुनावों के मुकाबले आप 10 लोगों से बात करेंगे अगर कहीं भी, तो 10 लोगों में कम से कम आपको हर छठा सातवां आदमी ऐसा मिल जाएगा जो सरकार से नाराज है, वो कहता है कि साहब महंगाई है, कोई कहता है कि साहब अग्निवीर योजना से परेशान है, कोई कहता है कि साहब बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, कोई
किसानों के मुद्दे गिनाता है, कोई दलितों के संविधान के और आरक्षण के मुद्दे गिनाता है। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर जो तीसरे चरण से संविधान वाला जो मुद्दा है और आरक्षण बचाव वाला जो मुद्दा जितना गर्म हुआ है, जितना हावी हुआ है, अगर वो नगीना के वक्त में भी उतना ही गर्म हो गया होता तो शायद इस बहस की ज़रूरत ही नहीं होती, ये सेटल हो चुकी होती पहले ही चंद्रशेखर के पक्ष में। लेकिन मुझे लगता है कि 50-50 मुकाबला है वहाँ पे, बीजेपी को बहुत एज नहीं है। मेरी नज़र में मुकाबला बहुत कड़ा है, दलित वोट, मुस्लिम वोट और एंटी इनकम्बेंसी का वोट जो वेस्टर्न यूपी की सारी सीटों पे आज की तारीख में बड़ी संख्या में है। इसीलिए आप देखते हैं कि अधिकांश सीटों पर बीजेपी के जो बड़े लीडर्स हैं, थिंक टैंक हैं, वो भी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि साहब हम इसको क्लियर कट जीत रहे हैं, क्लियर कट जीत रहे हैं। शंकर जोशी जी देख रहे हैं तो 50-50 बता रहे हैं, तीन वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं एक तरफ क्लियर कर रहे हैं, 50-50 बता रहे हैं। भाई देखिए ऐसा है कि मेरे पास कोई संजय तो बैठा हुआ नहीं है जो कुरुक्षेत्र का हाल बता दे। अब भाई पुष्पेंद्र जी के पास संजय हैं तो वो उनको हाल बता रहे हैं कि इस वक्त कौन सा योद्धा कौन सा रण में ब्रह्मास्त्र छोड़ रहा है। मैं तो बहुत सीधी सिंपल सी बात जानता हूँ, जो मेरे पत्रकार भाई हैं, जो मेरे मित्र हैं, जो राजनीति में है, जो वहाँ भारतीय जनता पार्टी में है, जो वहाँ समाजवादी पार्टी में है, उनसे बातचीत के आधार पर मेरा आकलन अपना वही है कि जो एज है वो चंद्रशेखर आजाद को है, चंद्रशेखर आजाद को है। आप बता दीजिए शादाब जी, सबकी सुन लिए, आखिरी सवाल आपसे ले लेता हूँ, बिल्कुल एक क्लियर तस्वीर की भाई ये हो सकता है। बस ये तो मैं बताऊंगा एक शब्द में बाद में, उससे पहले मैं 2014 में लेके जा रहा हूँ आपको। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है ना एक दीवानगी थी, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए आप, एक दीवानगी थी वोटर में, आम आदमी में, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक पक्ष जो है सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। जब 2019 आया तो उस दीवानगी हल्की ना वो कम हो गई और मोहब्बत में बदल गई वो, तो उसमें जब सपा बसपा वालों ने जब दूसरे ने तरफ से इश्क शुरू हुआ तो उसमें फ़ौरन वहाँ सीटें जो हैं तमाम सहारनपुर से लेके और संभल तक 10 सीटें जो हैं 9 सीटें 8 जो हैं वो जीत गई, तो वो मोहब्बत में आ गई। इस बार जो है ना दीवानगी है ना मोहब्बत है, और एंटी इनकम्बेंसी की जो बात रविंद्र जी कर रहे हैं उसमें वो उसमें प्लस हो गया है, तो उसकी ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में मजबूत है। एक तरफ तो वो है ही है क्योंकि उनका अपना वोट है, अपना मजबूत वोट है, अपना संगठन है और उनका अपना जो एक वोट बैंक है जिसको कहा जाता है जातिगत आधार पे, राष्ट्रवाद के आधार पे, वो तो है ही है। जो उनका एक छिपा हुआ वोट है जो वोट करता है लेकिन कहता नहीं, वो भी उनके साथ है। लेकिन क्योंकि वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, जो जातिगत परिस्थितियाँ हैं, वो आप जब देखेंगे मुस्लिम की, दलित की, सैनी की, तो उनका नंबर ऑफ वोट जो है या नंबर ऑफ जो जनसंख्या है वो मुस्लिम दलित की बहुत ज़्यादा है। तो दलित में बंटवारा है, मुस्लिम में बंटवारा नहीं है। वो 6 लाख में है, जो है जो 46% है उसमें बहुत कम बंटवारा है, तो वो एक बड़ा आधार जो है चंद्रशेखर के लिए ज़्यादा बेहतर लग रहा है। देखो परिणाम 4 को ही आएगा लेकिन जो स्थिति बनती है वो चंद्रशेखर कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरा है, चक्रियों में घेरा पड़ा घेरा हुआ है कि वो क्या करते हो, निकल भागे या बच जाए, ये कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हाँ सर, उन्होंने तो सीधा कह दिया आपके पास संजय हैं, तो वो कौन से संजय हैं जो बता रहे हैं कि बीजेपी के पक्ष में माहौल है? मेरे पास वो संजय हैं जो फील्ड पे घूमते हैं। अच्छा। और जिन्होंने मतदान के दिन का हाल मुझे बताया था। हाँ। और मेरा मन बदला था, मुझे भी शुरुआत में ये लग रहा था कि चंद्रशेखर क्या कर पाएंगे, वोट कटवा होंगे सिर्फ। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा तो उन रिपोर्टर्स ने और जो नेटवर्क के लोग हैं उन लोगों ने जो मुझे जानकारी दी, मतदान के दिन उन लोगों को कुछ भी कहते नहीं बन रहा था और उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि दलितों के साथ साथ उन्हें मुस्लिम वोटर्स का भी इतना सपोर्ट और इतना प्यार मिल रहा है। इसलिए मैंने बार बार कहा कि वो कुछ भी सकता है, और लेकिन फिर भी मतलब उसके जीतने को मैं करिश्मा ही मानूंगा। मैं उसे कोई पूर्व निर्धारित नहीं कह रहा कि साहब वो तय है और वो जीत जाएंगे, नहीं। तय तो बस एक ही चीज़ है कि बसपा वहाँ चौथे स्थान पर खिसक गई, खिसक जाएगी। अभी उन्होंने एक बात कही थी कि ज्योतिषी नहीं हूँ, तो आपके पास कोई ज्योतिषी की कुंडली है कि जो ये बता दे ये हो जाएगा? नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ हम सब खड़े हैं तो एक विश्लेषण के लिए ही खड़े हैं, और ये बड़ी प्रासंगिक बात होगी कि हम अपने आप को इसमें शामिल माने, संलग्न करें अपने आप को। तो ज्योतिषी कोई बात नहीं, ज्योतिषी की कोई एक भविष्यवाणी पूरे अखिल ब्रह्मांड में सच हुई हो तो मुझे बता दीजिए, हमें तो नहीं लगता। मैं तो 4 ज्योतिषियों के साथ लखनऊ में लंबे समय तक रहा। हाँ। तो ज्योतिष या संजय को एक आप प्रामाणिक व्यक्ति मान सकते हैं, अगर महाभारत को आप ऐतिहासिक एक धरोहर या विरासत मानते हैं। तो आपने क्या पूछा था? मैंने ये पूछा था, वो कह रहे हैं कि संजय बता दिया, कह दिया मैं भविष्यवक्ता तो नहीं, वो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर में क्या है। हमें जब सपा और बसपा पूरी ताकत से 2019 में लड़ी
और वो तब कहीं नहीं जीत पाए। पश्चिम उत्तर प्रदेश 7 सीटें भी जो जीती उनका राजनीतिक समीकरण ऐसा था क्लब होकर उन्होंने एक विक्ट्री हासिल कर ली, लेकिन हकीकत में जमीन पर वो विक्ट्री आप नहीं कह सकते, वो वोटों का संयोजन है, कॉम्बिनेशन ऑफ वोट्स, इससे अलावा कुछ नहीं है। इस बार ऐसा नहीं है, बसपा कहीं भी लड़ेगी उसका जो मजबूत कोर वोटर है वो उसके साथ फिर भी एक अच्छे अंशों में जाएगा और भाजपा के लिए जीत का रास्ता वहीं से बनता चला जाएगा। सर आपसे रवि जी मुझे आप बता दीजिए, सब लोगों की एक अपनी अपनी बात है, वो कह रहे हैं मेरे पास संजय नहीं है, वो कह रहे हैं कि ज्योतिषी थोड़ी है, क्या लग रहा है? एक आखिरी सवाल, ज्योतिषी तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी होगा वो 4 जून को ही सामने आएगा, तो ये कहना गलत होगा कि उसके पास संजय है या वो है। लेकिन चूंकि हम लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो हम लोगों की प्रत्येक लोगों से या उन लोगों को जो पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं उन लोगों से हमारी अक्सर बातचीत होती है, उसी बातचीत क्या कह रही है, उसी के बिहाफ पे आकलन किया जाता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो वो जो बातचीत है उस हिसाब से बीजेपी है, और जो बात अभी दलित समाज की हो रही है, दलित आपस में बंट रहा है नो डाउट। तो फिर मैं दोबारा से इस बात को दोहराऊंगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर ना सिर्फ नगीना, मुस्लिम फैक्टर तय करेगा कि वो किसको जिताता है। अगर चंद्रशेखर ये मान रहे हैं कि चंद्रशेखर वहाँ पर बहुत अच्छे से फाइट कर रहे हैं तो डिपेंड ये नहीं करेगा कि केवल दलित वोट के बिहाफ पर वो अपनी जीत दर्ज कर लेंगे, डिपेंड ये करेगा कि मुस्लिम वोटर किस साइड में जा रहा है। मुस्लिम किधर जा रहा है? मुस्लिम सिर्फ वहाँ जाएगा जो बीजेपी को हरा सकता है। जो बीजेपी को हराएगा मुस्लिम तो वहाँ जाएगा निश्चित तौर पर। पश्चिमी यूपी में यही ट्रेंड दिखाई दिया है, लेकिन जैसा हम मैंने पहले भी कहा कि एक हफ्ते पहले नगीना में ये चेंज हुआ पूरा कंसेप्ट। मैंने आपको बताया कि 6 लाख के करीब मुस्लिम्स वहाँ पे हैं, और एक हफ्ते पहले ये मैसेज कन्वे हो गया मुस्लिम्स को कि भाई ये देखो कौन हरा सकता है बीजेपी को। तो उन्हें लगा कि जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं जज साहब, एक तो उनका फुटफॉल नहीं था उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उतना बड़ा चेहरा नहीं थे, लोकल नहीं थे, बाहर के रहने वाले थे, हालांकि चंद्रशेखर भी सहारनपुर के रहने वाले हैं, लेकिन उनका पब्लिक कनेक्ट स्ट्रॉन्ग है, उनकी भीम आर्मी में, उनके आजाद समाज पार्टी में, उनके संगठन में, उनके साथ जेल जाने वालों में, धरना प्रदर्शन आंदोलन करने वालों में इस पश्चिमी यूपी के हर जिले के नौजवान शामिल हैं। दूसरा, दलितों में एक फीलिंग थी कहीं ना कहीं कि जो जिस बात को मोदी जी ने कहा जब संसद चल रही थी चुनाव से ठीक पहले, उन्होंने कहा कि बड़ा मैंडेट चाहिए, इस बार कुछ बड़े काम करने हैं, और 400 पार का नारा दिया उन्होंने। तो हम देख रहे हैं कि तीसरे चरण से तो वो पूरी तरह से ये मैसेज चला गया कि साहब संविधान बदलने जा रहे हैं, आरक्षण खत्म करने जा रहे हैं। ये फीलिंग पढ़े लिखे दलितों के बेटों में, बेटियों में पहले से थी, इसलिए उनको लगा कि चंद्रशेखर हमारा बड़ा फेस है, वो लड़ सकता है, वही हरा सकता है, इसलिए वो बड़ा फेस है चंद्रशेखर। देखिए सर, बड़ा और छोटा फेस नहीं है, वहाँ नगीना की पर्टिकुलर बात करें तो नगीना में जो समीकरण है वो ये है कि वहाँ दो ही व्यक्ति टक्कर दे सकते थे भारतीय जनता पार्टी को, और या तो मायावती और या चंद्रशेखर। चूंकि मुस्लिमों में ये भावना है कि मायावती जी भाजपा के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं और ये जीतने के बाद में उधर की तरफ चली जाएंगी और फिर वही स्थिति होगी। यही दलितों में भी गया कि मतलब टिकाऊ माल नहीं है, तो इस स्थिति में वो चंद्रशेखर आजाद को उन्होंने बेटर कैंडिडेट माना अपने लिए। और दूसरी एक और बात है कि 2014 और 2019 की तुलना में 2024 अलग तरह का चुनाव है। 2014 विकास का चुनाव था, 15 लाख रुपए का चुनाव था, 2019 पुलवामा का राष्ट्रवाद का चुनाव था, 2024 में रामलहर भी नहीं है। रामलहर नहीं है सर? बिल्कुल ये बात सही है कि रामलहर की जो उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को थी वो कहीं आपको फील्ड में नज़र नहीं आ रही, नहीं लोगों के चेहरे से, बातचीत से, इमोशन से सब मालूम हो जाती है। और जो आप अभी एक दूसरी बात अभी जो सभी साथियों साहब ने पूछी चंद्रशेखर वाली, देखिए चंद्रशेखर फाइट में है, ये कोई नगर पालिका का चुनाव नहीं है, ये कोई विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये लोकसभा का चुनाव है। पहले चुनाव में वो वहाँ जाके उतर रहे हैं जो सीधे सीधा संसद में जाने की स्थिति है, तो उस लोकसभा में जाने के लिए अगर वो 1%, मैं ये कहता हूँ जो हम बता रहे हैं ये तमाम लोग की तस्वीर आ रही है कि भाजपा या चंद्रशेखर, अगर चंद्रशेखर मान लो 1% नहीं भी होते हैं अब और वो सेकंड पे भी आ जाते हैं तो उनके लिए तो अपना में बहुत बड़ी जीत है वो भी, क्योंकि इतने बड़े चुनाव में, इतनी बड़ी स्थिति में, इतने बड़े सीनियर पे पहुंच जाए आदमी, ये थोड़ी बड़ी बात नहीं है उसके लिए। और गठबंधन से प्रत्याशी होते तो मुझे लगता है कि चंद्रशेखर भी वहाँ के विनिंग कैंडिडेट थे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए तमाम मेहमानों से हमने बात की और पत्रकारों का एग्जिट पोल भी हमने आपको सुनवाया। ज़्यादातर जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो सीधा कह रहे हैं
कि बीजेपी का पलड़ा भारी है, जबकि कुछ वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि चंद्रशेखर जो बड़ा कमाल है वो बड़ा कमाल कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और मुकाबला आमने सामने का है, टक्कर आमने सामने की है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। हालांकि जो फाइनल नतीजे हैं वो 4 जून को तस्वीर साफ होगी, लेकिन उससे पहले वरिष्ठ पत्रकारों के एग्जिट पोल ने तमाम राजनीतिक दलों की चिंताएं और टेंशन ज़रूर बढ़ा दी हैं।